गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मेरा मैच है बैडमिंटन का, तो मैं जा रहा हूँ मैच खेलने। सौम्या अभी सो रही है, तो मैं आऊँगा अराउंड 8-8:30, तो फिर उसको जगाएंगे। तब तो तक मैं जाता हूँ, मस्त मैच खेलता हूँ। मैंने उससे पूछा था कल रात में कि तुम चलोगी क्या प्रैक्टिस करने, तो उसने बोला था नहीं। मैंने अगर मैं उठूँगी तो देखूँगी, बट फिर रात में उसने बोला नहीं नहीं मुझे मत जगाना, तो उसे नहीं जगा रहे हैं। मैं जाता हूँ, इन्जॉय करता हूँ, मिलते हैं बाद में। तब तक शायद सौम्या उठ जाए या फिर आके जगाऊंगा मैं उसे। उठो, तो मैं खेल के आ गया। अभी बज रहे हैं अराउंड, मैंने सोचा था 8 बजे तक आऊँगा, लेकिन एक्चुअली 9 बजे आया मैं। और सौम्या अभी भी सो रही है। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखो सॉक्स, ये ना सॉक्स पहन के सोती है। और इसके सॉक्स ना मैंने हमेशा देखा कि सोते सोते उतर जाते हैं। उठ जा भाई, वो हीरो। तुमने कब बोला था यार कि 6 बजे उठाना? 6 से 8, 8 से 9। उठ जाओ उठ जाओ, कॉफ़ी पीते हैं। सुबह सुबह नहीं पीते। सुबह सुबह कॉफ़ी नहीं पीनी, तो नारियल पानी पीते हैं। बाहर बहुत सही मौसम है यार, हल्की हल्की बारिश हो रही है। कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको। कल तेल लगाया था क्या? कवर चेंज किए हैं पिलो के? कोई कोई इंटरेस्ट ही नहीं यार। अभी कुक कुक आएंगे, कुक भी आएंगे, तो इससे कोई मतलब नहीं क्या बनाना है क्या नहीं। ये सब इसने मेरे ऊपर डाल दिया है, मतलब बता देती है कि ये बनवा लेना, लेकिन बनवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे बदनाम करने वालों, आज आपका जो पार्सल आया है तो कैसा महसूस हो रहा है? वाह, क्या है ये? अच्छा अच्छा तो मुझे नहीं पता। वो जला दो जरा लाइट। नाम तो तुम्हारे ही है। नाम मेरा है क्योंकि ऐप मेरी है बेटा, बाकी आवाज नहीं बताएंगे कि मेरा आ गया है। अरे पता नहीं, पहले देख तो सही क्या पता वो जो मेरा है और वो तुम्हारा है। ओ हाँ, मेरा है, मेरा है, रुको। हाँ तो चल गया ना। नहीं नहीं बताता हूँ ना, मेरा है ना। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ दिखाओ 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 दिखाओ, ये मेरा है। यस यस ये मेरा है। देख नीचे से सबसे पहले। ये किसका है? तुम्हारा है। ये मेरा तुम्हारा है। हाँ ये मेरा है, ये मेरा है। हाँ मैं कन्या हूँ और तुम्हारी, ये सब मेरे हैं ये। हाँ डीलिंग नहीं। ये किसका है? ये भी मेरा ही होगा। देख अपना नहीं उठा के दिखा रहा है। मेरा ही होगा। पहन के घूमना ना। ये मेरा। हाँ इसके चक्कर में इसकी डिलीवरी बचाने के लिए बाकी दो। और ये जो है ना बवाल बड़ा है। एम साइज मंगा दिया तूने, एम बहुत बड़ा है। भाई तुमने जो बोला वही मंगाऊंगी ना, मुझे क्या पता। मेरे पे एम आएगा अब। मैं बहुत हैवी हूँ। ये उससे भी हैवी है। एनीवेज ये तो चेंज हो जाएगा। ठीक है कोई नहीं। गुड अलाइक इट। तुम्हारे दो आए मेरा एक। यहाँ पे भी तुम्हें चाहिए बस। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू टूडेज ब्लॉग। और मैं अभी उठ के रेडी हो चुकी हूँ। कीर्तेश तो आज जल्दी उठ के खेलने वेलने चले गए थे सुना है। सही है यार, मुझे तो जगाया भी नहीं कि चलोगी क्या खेलने। अच्छा। और कौन सा मैं उठ के चली जाती। लग तो सही रही है। एंड व्हाई यू आर लिंपिंग ब्रो? थोड़ा गेम की वजह से। ए आ तो सही रही है यार। हाँ ये तो दोनों मेरे हैं, फिर तुम क्यों पैक करके अपने वार्डरोब में रख रही हो? मेरी मर्जी। हाँ तो इसीलिए ना ऐसे मत बोलो कि आज इनका है। अरे दोनों ना मैंने स्टोर पे देखे थे, और तुम्हारी जो टी शर्ट है वो भी हमने स्टोर पे हमें देखी थी, बट हमें साइज नहीं मिला, तो फिर हमने ऑनलाइन मंगा लिया था। ये एक फायदा है ज़ारा में कि अगर आपको ऑनलाइन मतलब स्टोर पे नहीं मिल रहा है, इट्स एक्चुअली ट्रिक। अगर नहीं मिल रहा तो आप एक बार चेक करो। हमने वहीं पर जो स्टोर कीपर थे ना उनसे बोला कि ये टैग है, आप स्कैन करके बताओ कि साइज है, इन स्टोर है कि इन ऑनलाइन है। तो उसने कहा कि नहीं ऑनलाइन अवेलेबल है। हमने वहीं पे खड़े खड़े ऑर्डर कर दिया। बस ये था कि हमने कैश ऑन डिलीवरी किया था, तो साहब को फिर से पे करना पड़ गया। बट इट्स ओके, साहब कमा तो मेरे लिए ही रहे हैं ना। ऐसा नहीं, मैं अपने लिए कमा रहा हूँ, तुम जबरदस्ती अपना हिस्सा ले रही हो, क्या बोलते हैं उसको, हफ्ता ले रही हो तुम। किसी को तो देते ही, तो मुझे ही दे दो। किसी को तो देगा ही। मैं कई कईयों को देना चाहता था। मैं कईयों को देना चाहता था। सुना ही नहीं गाना। क्या क्या था गाना? किसी को तो देगा ही तू, क्यों ना उसे मैं ही छीन लूं। हाँ तो छीन ही रहा है भाई। चलो वो यार कॉफी बना दो प्लीज मेरे लिए। बस अब एक चीज आती है ना मेरे लिए, फिर मेरे से उस दिन शॉपिंग करी सेवा कर देना, आज शॉपिंग करी कॉफी बना देना।
प्लीज बना दे यार कॉफी। इतना प्लीज करने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है कि तुमने बोल दिया तो बन जाएगी। पर जब प्लीज बोलता हूँ तो जल्दी बन जाती है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे जल्दी पीनी है, नहीं तो फिर बनती रहती है आराम से आधे घंटे, है ना। बना दो चलो। मैं खुद ही यार, तुमने जब से बोला ना मैं गिनता रहता हूँ मैं कितनी बार चलो बोलता हूँ। मैंने देखा है जैसे मुझे लगता है इस पूरे शॉट में मैंने 3 या 4 बार चलो बोल दिया। चलो तुम्हारा चलो और मेरा फाइनली फाइनली है ना फाइनली ये वाह। तुमने रोक लिया? रुक गई रुक गई, कोई नहीं। थैंक यू भैया, क्या बात है। वन मोर। और ये मेरा नहीं है, इसमें फिर सॉन्ग में देख रही हूँ, और ये बहुत बजनी है। क्या है? बहुत वेटेड है, बजनी बजनी। और इसको खोलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। क्या है ये? ये पता है क्या है? नहीं मुझे कैसे पता होगा, ये तुम्हारे ऑफिस से आया भाई। डियर सौम्या, आर्टिस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर प्रमोशन। अच्छा प्रमोशन का गिफ्ट है तुम्हारा? ऑफिस प्रमोशन पे गिफ्ट भेजता है? बस गिफ्ट ही देता है। हाइक लेटर प्लेन था, उसमें कुछ नहीं था, गोरा कागज यही सब भेजेगा। तुम्हारे ऑफिस में तो कुछ नहीं भेजा यार जब हम प्रमोट होते हैं तो तुम्हारा ऑफिस पैसे देता है, हमारा ऑफिस सिर्फ गिफ्ट देता है। गुड पार्टी, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो मतलब ये मेरे लिए आया है। क्या क्या आया है? ऐसे तो दिखा ही सकते हो, नाम लिखा है क्या? नहीं, हाँ उसमें नाम लिखा हुआ, कंपनी का इसलिए लिखा रहा, बट कुकी मैन। चल काफ़ी सारे असॉर्टमेंट, एक ये एक दो पता नहीं ये क्या है, पता नहीं कोस्टर है ये शायद। ठीक है अभी रखो फिर मैं दिखाता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू सो कंपनी नेम एक्चुअली। दोपहर के 2 बज गए और आज नारियल पानी भी नहीं पिया है यार, चलो पी के आते हैं, इतना क्या बिजी हो। और मेरे पता नहीं क्या हो गया, इतने डार्क सर्कल क्यों हो रहे हैं? ये ना गिरीश रात में मोबाइल करते रहते हैं, तो फिर मैं भी ना सो नहीं पाती हूँ, इसलिए मेरे ना डार्क सर्कल्स हो गए हैं। कुछ कहना चाहेंगे, अपना कुछ ऐड करना चाहेंगे, अपनी कोई टिप्पणी? तो जैसा कि मैंने अपने कल के ब्लॉग में बताया था कि अब हमारे घर में ना एक नया भूत चढ़ गया है, कि अब मुझे स्टडी टेबल चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइप ही चाहिए। तो अब जब चढ़ गया है भूत तो फिर उसको पूरा तो करना पड़ेगा। तो फिर अभी हम जा रहे हैं पेपर फ्राई, कल भी गए थे बट कल एक्चुअली रात हो गई थी तो स्टोर ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, तो अच्छे से हम देख नहीं पाए। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, पेपर फ्राई जाएंगे, अर्बन लैडर जाएंगे, चेक करते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ जो टेबल है वो मिल पाएगी या नहीं। ना हमारे घर के पास में बड़ा सा मैंगो का ट्री है और ये उससे ये मैंगो गिरा है। खराब तो नहीं? खराब नहीं हुआ, गिरा हुआ है उनको, आंटी को। आंटी को हवा तो बहुत अच्छी चल रही है पर ये बालों के लिए हानिकारक है क्योंकि बाल खराब हुए जा रहे हैं, ऐसे तो बहुत अच्छे रहते हैं। और अभी हम पहुँच चुके हैं स्टोर में, काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी खाने के बाद में हम स्टोर पे पहुँच चुके हैं और अब हम जाते हैं एक्सप्लोर करते हैं। ये मुझे ये बोल के यहाँ पर वेकफिट लाया है कि अर्बन लैडर पेपर फ्राई से वेकफिट अच्छा है और सस्ता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये टेबल जो लेगा ना ये पेपर फ्राई और अर्बन लैडर से लेगा, इसे घुमाने का ना शौक है। चार तो दुकान आदमी हर जगह ढूंढता है भाई। इस आदमी को जब अपनी आदत पता है कि मैं चार दुकान में जाऊंगा, मैं लूंगा वहीं से जहां पर, ऐसा कुछ नहीं, मैं वहां से लूंगा जहां से मुझे अच्छा लगेगा। तो अब तुम यहां पर आए हो पर दिमाग में पेपर फ्राई लेकर आए हो ना, उसके पेपर फ्राई लेकर उसके डिजाइन। हां तो बस वही देखेंगे, टाइम वेस्ट करते हो तुम। टाइम नहीं वेस्ट, एक चीज पसंद आई ना यहां की, एक चीज पसंद आई ना यहां की। कौन? बेड। तो समझ में तो आया, तो एक्सपीरियंस सेंटर बनाते ही इसीलिए कि आप आओ यार एक्सपीरियंस करो, तभी तो हमको पता चलेगा कहाँ पे क्या अच्छा है क्या बुरा है, समझे तुम।
जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी, हमें नहीं अच्छी लगी, कुछ चीज़ें अच्छी लगी। तो मुझे अच्छा लगा ये एंजल्स फेदर, ये बहुत सही लग रहा है, ये मेरे सर पे आएंगे मुझे विश देने। ओ वाह यार, दिस इज एक्चुअली गुड, प्राइस भी ठीक है। ये एंजल्स के रूम में लगता है हम लोग एंजल्स है ही नहीं, ना तुम हो ना मैं हूं। डेविल्स फेदर नहीं होते? नहीं, डेविल्स हॉर्न होते हैं। डेविल्स हॉर्न होते हैं, डेविल्स के फेदर नहीं होते तो हॉर्न ही बना दो, मैं अपने रूम में बनाने नहीं होते। चलो पहुंच गए हैं घर, जो देखने गए थे उसके अलावा सब पसंद आ रहा था, जो देखने गए थे वही पसंद नहीं आया है। पता है जब हम लोग जब तक अभी गाड़ी से घूमते थे ना, तब लगता था कि यार बैंगलोर में बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। अब जब बाइक से घूमने लग गए तब समझ में आता है कि ऐसे ना मिट्टी पूरी मुंह में से चिपक जाती है, कई बार तो लगता है कि मुंह के अंदर चली गई है। मैं इसीलिए नहीं घूमता था, इसीलिए मेरी बाइक जो थी वो ऐसे कबाड़ में पड़ी हुई थी। तुम्हें बोला बनवा लो ना, तुम्हें बोला ना बनवा लो, अब बनवा लिया तो यूज होने लगी तो पोल्यूशन थी, मतलब पोल्यूशन नहीं, धूल मिट्टी यार। एक्चुअली मैक्सिमम जगहों पर ना अभी तो खुदा पड़ा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है रोड पे मेट्रो का, उसकी वजह से धूल उल ज्यादा ही है। तुम आंटी क्यों लग रही हो यार? क्योंकि तुम अंकल हो इसलिए। मैं तो अंकल हूँ, देखो ना, आंटी आंटी आंटी। तो आंटी लगना कोई गंदी बात है? हूँ आंटी तो लग रही हूँ। तुम आंटी हो? हाँ। किसकी आंटी हो? क्यों, तुम्हारे दोस्त के जो जिनके बच्चे हो गए हैं वो तो बोलते ही है ना। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। All these things don't affect me. It's okay. वही तो मैं भी वही बोलने के लिए कैमरा खोला कि क्या ही फायदा जाने का, जैसे ही निकले रात ही, अभी पूर पहुंचे भी नहीं है, it starts pouring. तुम तो खेल के आ चुके हो आज सुबह, तुम्हें तो कोई नहीं, मैं नहीं खेल पाई आज, वेट करना पड़ेगा क्योंकि आज कोर्ट खाली नहीं है। मैंने तो अपने कोटे का सुबह ही खेल लिया। अरे सीरियसली ब्लॉग में ना लेना बंद कर दूंगी। अच्छा तो मैंने तो सुबह ही खेल लिया भाई, तू खेल क्यों रहा है? नहीं मैं तो अभी हम लोग डिनर वगैरह करके फ्री हो गए हैं, अब जाएंगे सोने क्योंकि सुबह शायद कल मैं सुबह खेलने जाऊं, मे बी नॉट श्योर। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। वो तो सुबह पता चलेगा कि ज्यादा हुआ या कम हुआ। और हमने सुबह में तुम्हें ले ही नहीं जाऊंगा। क्यों? सुबह मैं नहीं खिलाता लड़कियों को। प्लीज चुप रहो, कुछ भी बोलना है तो बोल रहे हैं। अरे और फाइनली हमने टेबल का ऐसा जुगाड़ निकाला है, स्टडी टेबल का ऐसा जुगाड़ निकाला है कि वो आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चलेगा, सो स्टे ट्यून्ड। हाँ सही जुगाड़ निकाला है तो सही बात है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज ब्लॉग, आई होप यू गाइस हैव लाइक्ड इट। इफ यू डू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।